हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। नमस्कार, मैं हूँ अनूप नारायण सिंह और इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जानकी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन राम प्रसाद जी। और आइए इनसे जानते हैं कि जानकी मेडिकल कॉलेज जो है नेपाल में है, जनकपुर में है, और जनकपुर की महत्ता इसलिए भी है कि वहाँ जनक नंदिनी जानकी माता सीता से जुड़ा हुआ वो जगह है। इस मेडिकल कॉलेज को लेकर केवल भारत ही नहीं, नेपाल ही नहीं, पूरी दुनिया में इस कॉलेज का नाम है और यहाँ पर जो पढ़ाई होती है पूरी दुनिया से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। तो आइए जानते हैं कॉलेज के चेयरमैन से कि क्या कुछ खास है इनके कॉलेज में। सर, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका जो मेडिकल कॉलेज है उसमें क्या खासियत है? हमारे मेडिकल कॉलेज में MBBS पढ़ाई होता है, BSc नर्सिंग, BN नर्सिंग और PCL नर्सिंग, डॉक्टर और नर्स लोग का पढ़ाई होता है खासियत जी। और इसका अलावा हम लोग का 550 बेड का हॉस्पिटल है जी। और PG का भी अभी शुरू हो रहा है, PG पोस्ट ग्रेजुएट का पढ़ाई भी शुरू हो रहा है जी। हम लोग का पास 64 स्लाइस का CT स्कैन, MRI, बाकी बीमारी को उपचार करने का लिए सारा चीज हम लोग का पास है, कोई भी बीमारी को उपचार कर। आपका जो कॉलेज है उसमें पढ़ने के लिए भारत के भी छात्र जाते हैं, तो क्या क्या सुविधाएं हैं जो बाहर के विदेशी छात्र आपके यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए क्या सुविधा आप देते हैं? हम लोग के यहाँ हॉस्टल है विद्यार्थी को रहने का लिए, खाने का लिए हम लोग का कैंटीन है, खुद बना के भी खा सकता है जी। और MBBS पढ़ाई करने का सब सुविधा है, बेसिक साइंस, क्लिनिकल और बेड साइड टीचिंग, ये सारी चीज़ का सुविधा है। और अभी तक करीब 500 इंडियन बच्चे लोग पढ़ के आ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं, करीब 140 इंडियन स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है जी। का जो मेडिकल कॉलेज है इसका नाम ही है जनक नंदिनी जानकी के नाम पे है, जैसा कि नाम से ही लगता है कि कहीं ना कहीं से प्रभावित है और माता जानकी से जुड़ा हुआ वो शहर है नेपाल का। तो जो बिहार के बच्चे हैं या देश के, भारत के अन्य प्रांतों के बच्चे हैं जो आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? तो अभी तो हमारा मेडिकल कॉलेज में MBBS पढ़ने के लिए एक नंबर में तो हम लोग का त्रिभुवन यूनिवर्सिटी एफिलेस है, वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है MBBS पढ़ने का लिए, एक तो वो रास्ता है। दूसरा, इंडिया में नीट पास करके भी जाके पढ़ सकता है जी। वही मैंने इंडियन स्टूडेंट को जहाँ हो सकता है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में आके एग्ज़ाम दे के पास करके हमारा कॉलेज में पढ़ने को और विद्यार्थी का लिए और अच्छा होता है, अच्छा है। नहीं, आपका जो मेडिकल कॉलेज है काफ़ी कम समय में इसकी ख्याति है, इसका नाम है जो चारों तरफ फैला हुआ है, तो क्या आने वाले दिनों में यहाँ सीट की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं? पढ़ाई में यहाँ MD की पढ़ाई होगी या और बहुत जो बेसिक चीजें हैं मेडिकल की जो सुविधाएं अभी इंडिया में नहीं मिल पाती हैं, तो क्या आपके कॉलेज में वो सुविधा होगी आने वाले दिनों में? जी, हम लोग का यूनिवर्सिटी का नियम है 100 स्टूडेंट हर साल इंटेक लेना, और PG में तो जो सब्जेक्ट में पढ़ाना है वो होता है। और सुविधाएं सब हम लोग का कॉलेज में है, हम लोग का कॉलेज से पढ़ के आने वाला बच्चे डॉक्टर को इंडिया का MCI एग्ज़ाम में भी एक ही बार, दूसरा दो बार में एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं जी। अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है जी। यह है जानकी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन, और जैसा कि इनकी बातचीत से लग रहा है कि जो भारत के बच्चे इनके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, काफी बेहतर कॉलेज है और काफी बढ़िया वातावरण है और वहां पे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा मेडिकल की तैयारी कराई जाती है, और जो भारत में जो मेडिकल में प्रवेश की जो परीक्षा होती है उसी के रैंकिंग के आधार पे आपको जानकी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन होता है। दूसरे एडमिशन की जो प्रक्रिया है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है काठमांडू का, नेपाल का काफी बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी प्रवेश परीक्षा होती है और उसी के आधार पर इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है।
तो मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी कार्यक्रम में इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.